नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मुख्तार अंसारी को हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले को मुख्तार के भाई चैलेंज करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्तार की सजा कम होनी चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सांसद अफजाल अंसारी ने छोटे भाई मुख्तार को बीते 15 दिसंबर को मिली सजा पर कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस फैसले को उच्च न्यायालय में हम चुनौती देंगे। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से जेल में हैं। वो बिना सजा हुए अब तक आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं। गैंगस्टर के केस में अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है, वो न्यायालय ने दिया है। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि इसी तरह की परिस्थिति 2002 में टाडा के मामले में आई थी। उस समय जज ने इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार को सुनाई थी। उस मामले में हाईकोर्ट में सजा के विरुद्ध में चुनौती दी गई थी और उस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्तार को बाइज्जत बरी किया था। यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 पुलिस जब किसी पर कायम करती है तो इस मामले में डीएम का अप्रूवल लिया जाता है। उनके अप्रूवल के बाद ही किसी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला बनता है। जब उसकी चार्जशीट जाती है तभी अप्रूवल होता है, लेकिन मुख्तार के इस मामले में डीएम से अप्रूवल नहीं लिया गया। डीएम के अप्रूवल के विरुद्ध मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है? न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को डिसाइड होना था, लेकिन उसके पहले ही मुख्तार पर सजा को डिसाइड कर दिया गया। इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जब टाडा के मामले में मुख्तार पर सजा सुनाई गई थी और उस मामले में भी दिल्ली कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लिया गया था, जिसका आधार मानते हुए जज ने मुख्तार को बाइज्जत बरी किया था। कोर्ट के इस फैसले के आधार पर मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से प्रचारित किया वो अपने आप में एक अजीब बात है। देश में ऐसी बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। स्पेशल मुख्तार अंसारी के मामले को जो हाईलाइट किया गया उसके राजनीतिक कारण हैं। हाईलाइट करने के लिए फैसला आने के बाद बहुत सारे लोगों ने खुशी मनाई। देश में वो लोग खुशी मना रहे हैं जिसे यहाँ की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि गुड्डू भाई के नाम पर मुकदमा दर्ज हो जाए दंगा फसाद करने का, और गुड्डू भाई अपने मुकदमे का विचार कोर्ट में नहीं कराएंगे और अफजाल पर मुकदमा दर्ज हो जाए तो डे बाय डे उसका विचारण हो, ये सब जनता देख रही है। अफजाल अंसारी ने कहा कि गैंगस्टर अपने पैरों पर खड़ा होने वाला अपराधी नहीं है, ये किसी दूसरे पर यानी मुकदमे पर खड़ा होता है। अगर किसी के विरुद्ध दो चार मुकदमे हैं और जब गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होता है तब लिख जाता है कि आदमी गैंगस्टर है और इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुख्तार के गैंगस्टर के मामले में कुल 5 मुकदमे थे, जिसमें से 4 मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं, ये मुकदमा आखिरी बचा है। अंसारी को लखनऊ में धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा है और एक गैंगस्टर का मामला जिसमें वो बरी हो चुके थे लेकिन अपील पर 5 साल की सजा मिली। एक अन्य मामले में 3 साल की सजा मिली। कुल मिलाकर 20 साल की सजा है जिसको लोग लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। मुख्तार को तो उसके गुनाहों की सजा बराबर मिल रही है, लेकिन उनके भाई इससे खुश नहीं हैं और अब वो कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या वो इस फैसले को चैलेंज करने में सफल रह पाएंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।